इसको रे बाद में बार बार बताता हूँ, इफिशियंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन, जो हम इंजन पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस है, वो आइडियल ही होता है, नहीं बताएगा तभी भी आइडियल का कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। वर्क डन बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हीट इंजन का पता होना चाहिए। चलो मैं बना ही देता हूँ हीट इंजन, तुम भी याद रखोगे कि सर ने कितनी जल्दी हीट इंजन बना दिए, दुनिया को कई साल लग गया, हम लोग सिंपल बना दिए, ये हमारा हीट इंजन है। हीट इंजन है अब फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसमें से एक होता है सोर्स, ये इसको मैं अभी मैं सोर्स मान लेता हूँ, और ये इसको मैं सिंक मान लेता हूँ, और सोर्स में जो हीट होती है उसको Q1 टेम्परेचर T1 में रखते हैं, और यहाँ पे जो सिंक होती है उसको Q2 टेम्परेचर T2 में होते हैं। यहाँ से हीट एनर्जी लेता हूँ, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बच गया वो सिंक को चला जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, हमेशा याद रखना कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, तभी तो वर्क डन जो है, यहाँ से 100 जूल हीट एनर्जी आई तो 90 जूल जो है वर्क में कन्वर्ट हो गई, इंजन ने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और जो 10 जूल बच गई वो सिंक को चली गई। 100% कन्वर्जन नहीं होता भाई, थ्योरेटिकली देखो 100% कन्वर्जन तब होगा जब Q2 जीरो होगा या T2 जीरो होगा, कुछ ना कुछ यार प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल कि 100% कन्वर्ट हो जाए। अब अपने काम पे आते हैं, बात करते हैं, हम लोग को इफिशियंसी निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो कॉमन सेंस है तो लगाओ कि फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, ऑब्वियसली जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम टेम्परेचर पे है तो यहाँ आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 + 273 इसमें ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 273 केल्विन, यहाँ आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि केल्विन में होता है। इस पॉइंट पे जो सोर्स आ जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 273 इसमें ऐड कर दोगे तो ये 373 आ जाएगा केल्विन, हमेशा केल्विन में लेना इसको। अब हम लोगों को निकालना है इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी निकालना बहुत आसान है। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट टेकन Q1। बेहतर हीट इंजन होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करेगा, जिसका ईटा इफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, दैट इज ईटा। भाई ये सब मैं आपको समझाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, फार्मूला याद आ जाए। अब बेसिकली हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें और वैल्यू रख देते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू ये वाला यूज कर लेते हैं, तो 1 माइनस T2, T2 जो है वो ये है 273 पर है, और ये 373 पर है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो 373 में से 100 अपॉन 373 और मल्टीप्लाइड बाई अगेन 100, और ये जो अब कैलकुलेशन है वो आप कर ले, 96.8% आ जाएगा ईटा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, 26.8% मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है।